हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आईफोन परचेज करते वक्त आप लोगों ने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक करनी है आईफोन खरीदते वक्त। ये है जी आईफोन 7 हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको बताएंगे कि वाटर पैक जो है आईफोन का कैसे चेक करना है आपने, पानी में डालने के बिना वाटर पैक आपने कैसे चेक करना है। ये सिम स्लॉट है, ये आपने बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद दोनों होठों के ज़रिए आपने हवा को अंदर करना है, यानी कि फूंक मारनी है आईफोन में ये स्लॉट बाहर निकालने के बाद। जब आप फूंक मारेंगे तो जो आईफोन वाटर पैक होगा ना, उसकी आवाज़ कहीं से भी बाहर नहीं निकलेगी। जो मोबाइल ओपन होगा, रिपेयर होगा, उसकी साइडों से या स्पीकर से या इधर से हवा बाहर निकलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये दो पेच लगे हुए हैं ना, इनको भी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आईफोन खुला है या नहीं। ये देखें, अक्सर पेच का रंग ना उतरा होता है हल्का हल्का, जब पेच वगैरह लगते हैं ना, ये पेच खोले जाते हैं तो इनका कलर उतर जाता है, तो इनसे भी पता चल जाता है कि मोबाइल ओपन है या नहीं। इसके बाद जी आपने इसकी बैटरी चेक करनी है, बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ जो है आपने 80 से प्लस वाला आईफोन परचेज करना है, नीचे वाला परचेज नहीं करना। ये बैटरी हेल्थ है, ठीक है, ये देखें इसकी 100 है। हाँ, अगर आपका आईफोन वाटर पैक है, ओपन नहीं हुआ, तो उसकी बैटरी हेल्थ 77, 78, 79 या 75 से प्लस भी होगी ना, तो चल जाएगा, अच्छी टाइमिंग देगा वो आईफोन आपको, क्योंकि वो वाटर पैक होगा, ओपन नहीं होगा। बैटरी उसकी ओरिजिनल होगी, जो ओरिजिनल बैटरी है ना, उसकी टाइमिंग अच्छी होती है। इसके अलावा जी आपने चेक करना है इसकी जो बैटरी है, फॉर एग्जाम्पल उसकी हेल्थ 80 से ऊपर है, 80 प्लस है, तो आपने चेक करना है बैटरी इसमें कौन सी डली हुई है, अच्छी वाली है, लोकल है, क्या टाइमिंग है उसकी। तो आपने कैमरा ओपन करके जी ब्रस्ट मारना है पिक्चर का, 300 ब्रस्ट एनाफ होता है, ठीक है। ये प्रेस करना है आपने, ये ब्रस्ट शुरू हो गया, ठीक है जी। पहले तो हम इसकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं ना, फिर आपको बताएंगे। देखिए, आपने परसेंटेज देख लेनी ऊपर जी, इस टाइम 17 है, ठीक है। तो हम लोग ब्रस्ट मारते हैं, ये तो गाइस मैक्सिमम लोग 1000 का ब्रस्ट मारते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इतना मारने की। आप मैक्सिमम 300 तक मार लें, ठीक है। ये देखें जी, 1% भी बैटरी डाउन नहीं हुई। अगर 1% बैटरी डाउन होती है, 1% भी बैटरी डाउन नहीं होती, तो उसकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। अगर ज़्यादा 3-4% बैटरी डाउन करता है 300 का ब्रस्ट मारने पे, तो बैटरी बिल्कुल लो क्वालिटी की डली हुई है, तो आपने वो आईफोन परचेज़ नहीं करना, या उस हिसाब से परचेज़ कर लेना है कि आप बैटरी इसकी न्यू डलवा लें, ठीक है। ये थी जी दो तीन मेन बातें जो आपको बता रही थी कि आईफोन की बैटरी हेल्थ कैसे चेक करनी है और कितनी होनी चाहिए, और वाटर पैक कैसे चेक करते हैं। इसके अलावा जी आपने कैमरे वगैरह भी चेक कर लेने हैं, ठीक है। मोबाइल के कैमरों में डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, इन दोनों में आपने चेक कर लेना है कैमरों में डस्ट नहीं हो। इनके अलावा जी एक टूल होता है आईफोन को चेक करने वाला, आईफोन की हर चीज़ आपको बता देता है वो टूल, लैपटॉप या कंप्यूटर में वो टूल हो, मोबाइल को उसके साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं आईफोन की कौन कौन सी चीज़ चेंज है, रिपेयर है, वो आपको सब कुछ एग्जैक्ट बता देगा। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।